नमस्कार मैं हूं अमित कटोच स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक मैथ एंड जीके विद अमित में कंप्यूटर जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है मेमोरी इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इससे पहले भी मैंने काफ़ी टॉपिक जो है कंप्यूटर जी के की सीरीज़ के बनाए हैं तो आप उनको भी देखना चाहते हैं तो उनके लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं तो आप वहां पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेमरी फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है इंटरनल एक्सटर्नल बोथ या फिर ए एल ई यू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका राइट right आंसर है इंटरनल मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है उसको हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं क्वेश्चन आंसर सेट लगाने से पहले एक बार जो है इनको देख लेते हैं मेमोरी टू टाइप्स की होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इनको अलग अलग नाम से भी बोलते हैं जैसे सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी और दूसरी तरफ ऑक्सिलरी और बैंकिंग स्टोर बैंकिंग स्टोर में हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क सीडी रोम फ्लॉपी डिस्क पेन ड्राइव डीवीडी ये सभी जो है सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं और जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें जो है नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मीन्स स्थाई और अस्थाई मेमोरी जो है वो उसके अंतर्गत आती है जो नॉन वोलेटाइल है उसमें रोम प्रोम ई प्रोम डबल ई प्रोम ये सभी जो हैं उसमें आते हैं और जो वोलेटाइल है उसमें जो है रैम आती है तो इनके बारे में आगे हम डिटेल में क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं मीन्स कितने प्रकार की वो पाई जाती है तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी टू क्योंकि मेमोरी जो है वो टू टाइप्स की होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थाई रूप से स्टार्ट होता है चार ऑप्शन आपके पास हैं रैम रोम सी पी रोम इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रैम रैम मीनस रैंडम एक्सेस मैमरी और रोम मीन रीड ओनली मैमरी तो जो रैम है वो वोलेटाइल मैमरी है और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मैमरी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं वोलेटाइल स्टोरेज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डेक्ट स्टोरेज या फिर सिक्वेंशियल स्टोरेज इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीन स्थाई स्टोरेज और वोलेटाइल मीन अस्थाई स्टोरेज नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन डाउनलोड अपलोड या फिर स्टोरेज इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए इंस्टॉलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट निकल जाते हैं किसके स्टोरेज के इनपुट के आउटपुट के या फिर मेमोरी के इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है वो रैम रैम जो है वो मेमोरी मेमरी होती है और जब लाइट uh, बंद होती है मींस कंप्यूटर बंद होता है तो हम उसको जो है स्टोरेज नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिट इन मेमोरी है इरोम, रोम रोम या फिर रैम इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी रोम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन रैम नहीं है मीन वोलेटाइल नहीं है फ्लैश डी रैम एस रैम या फिर पी रैम फ्लैश डी रैम और एस रैम ये तीनों जो हैं ये वोलेटाइल है मीन्स ये रैम है और पी रैम पी रैम नहीं होता है पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी जो फ्लैश है ये भी अपना माइंड में रखना है इसको भी रैम में इंक्लूड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है कैश कैशे फ्लैश रोम या फिर बफर इसका जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन बी रैम रैम मीन फ्लैश फ्लैश इसका जो राइट right आंसर है फ्लैश है क्योंकि जो फ्लैश है और जो रैम है वो दोनों ही वोलेटाइल मेमोरी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीओ और रैम के मध्य कौन सा माध्यम उपयुक्त होता है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कैशे मेमोरी कैशे मेमोरी जो है ये सीपीओ और रैम के मध्य जो है वो उपस्थित होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी को कंपैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट डिस्क प्रोजेक्ट डिस्क ऑप्टिकल डिस्क या फिर ऑल ऑफ दीज इसका राइट right आंसर है ऑप्टिकल डिस्क यानी ऑप्शन सी यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें इससे पहले मैंने हिमाचल जी के बहुत से टॉपिक कवर करवाए हैं डिटेल में अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं आप वहां पर जाकर उनको भी देख सकते हैं नेक्स्ट है वट इज द यूनिट ऑफ स्टोरेज मीडियम कैपेसिटी स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है वाइट विट वग या फिर क्यूबिक मीटर यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए वाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा किसमें रैम मदरबोर्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या फिर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यथावत मीन सेम सेम टू सेम वैसा होगा इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्यों नहीं क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में जो है रैम भी आती है जो कि अस्थाई है वोलेटाइल है नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक ऑप्टिकल फ्लैश या फिर नन ऑफ टीज इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैग्नेटिक मैग्नेटिक जो है सबसे कॉमन डिवाइस है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है सी डी आर डब्ल्यू डिस्क डैश को इरेज और रीराइट किया जा सकता है को इरेज रीराइट नहीं किया जा सकता है ऑप ऑप्टिकल डिस्क के रूप में है इसलिए एक ही बार राइट किया जा सकता है या फिर डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए को इरेज और री राइट किया जा सकता है और जो सी डी रोम है उसको जो है रिराइस नहीं किया जा सकता है उनमें यही डिफरेंस है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है मेन मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी में डिस्क मेमोरी में या फिर प्रोग्राम मेमोरी में इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए मेन मेमोरी। नेक्स्ट है डीवीडी एग्जांपल ऑफ हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क आउटपुट डिवाइस या फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क जो डीवीडी है जो सीडी है ये ऑप्टिकल डिस्क में भी काउंट किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है हार्ड डिस्क कैशे मोनीटर या फिर रैम इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हार्ड डिस्क कैशे रैम जो है ये वोलेटाइल है अस्थाई है और जो मोनीटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है ट्रैकिंग फॉर्मेटिंग लॉगिंग या फिर क्रैशिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉरमेटिंग नेक्स्ट है सी डी आर डब्ल्यू का पूरा रूप क्या है कॉम्पैक्ट ड्रम रीड राइट कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट या फिर नन ऑफ दीज इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल जो है इसकी फुल uh, फॉर्म है नेक्स्ट है निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक है डी रैम एस रैम कोई निश्चित नहीं है या फिर डी रैम बड़े चिप के लिए तेज है इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम इन डायमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री एंड हाफ फ्लोपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है इनपुट आउटपुट या फिर स्टोरेज या फिर सॉफ्टवेयर इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है सी डी फ्लोपी डिस्क हार्ड डिस्क या फिर रैम इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी रैम रैम जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये हम जब तक इसमें पढ़ सकते हैं जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी है मींस लाइट है ये जो है इसको हम सेफ नहीं सेव नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट है यूएसबी स्टोरेज डिवाइस का कौन सा प्रकार है द्वितीय प्राथमिक सहायक या फिर तृतीय सेकंड फर्स्ट सहायक मीन भी uh, सेकेंडरी होता है और तृतीय मीन थर्ड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कंप्यूटर में स्थाई रूप से डाटा संचित करता है कौन ए एल यू आर ए एम रोम या फिर कैशे मेमोरी स्थायी रूप में कौन संचित करता है ऑप्शन सी रोम रीड ओनली मेमोरी जो ए एल यू है ये सीपीयू का पार्ट है और रैम जो है ये वोलेटाइल है अस्थाई है और कैशे मेमोरी भी जो है ये अस्थाई है जो कि सीपीयू और रैम के बीच में होती है तो ये जो है इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो आज हमने कंप्लीट किए तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें आगे हम हिमाचल जी की किसी चीज़ को भी कवर करेंगे और जितने भी नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो भी बहुत जल्दी जो आपको देखने को मिलेंगे तो तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद